हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग आज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज हमारे लिए ज़रूरत हो चुका। तो दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ हर वक्त कि जो चीज़ ज़रूरत है उसको आप जितना जल्दी सीखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो आज इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरत हो चुका है, मजबूरी हो चुका, आज सीखना ही पड़ेगा। आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या कहीं और रहते, आपको ये एक स्किल जरूर सीखना चाहिए। दोस्तों, इसका जो बेनिफिट है ना, ये अनलिमिटेड है। आप जिस फील्ड में जॉब करते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको ये स्किल का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, इस स्किल को जरूर सीखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पर्सनैलिटी के लिए हो, चाहे एक लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल भी है और ये एक लैंग्वेज है, हम लोग इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते तो आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, यानी मास्टर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ये जो स्किल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्किल को जरूर सीखे और इसका जो बेनिफिट है ना वो अनलिमिटेड है, आपको जब आप सीख जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। देखिए, आप मान लीजिए फॉरेन जाते हैं कहीं, आप कभी बड़े बड़े होटल में जाएंगे तो वहाँ पर जो ऑर्डर होते हैं इंग्लिश में देना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है इंग्लिश में। आपको किसी एग्जीक्यूटिव से बात करना तो इंग्लिश में, क्योंकि देखिए इंग्लिश हर किसी को पता है, यानी इंग्लिश को कॉमन बनाया गया। हिंदी आता है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम लोग का मदर टंग है और ये तो आना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश बोलना भी सीख लेंगे ना तो हम लोग को कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी हम लोग अगर जाएंगे, चाहे वो फॉरन जाए या कहीं मीटिंग जाए, कुछ भी करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमें कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बात समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इस स्किल को आप कैसे सीख सकते हैं, आप घर बैठे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। शर्त बस इतना है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट पैक होना चाहिए। बस आपको YouTube में जाना है और वहां पर वीडियोस देखना, जो जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, जिनका वीडियोस आपको अच्छा लगता है, जिनका वीडियो आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनको फॉलो कीजिए और जो भी वो लोग बोलते हैं उसको करिए। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी हम लोग बार बार, वो कहते हैं ना कि अगर एक पत्थर पर बार बार पानी गिरेगा ना तो उस पत्थर में छेद हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, और भी रेगुलर। यानी आप जितना ज़्यादा किसी भी स्किल में प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। बात समझ रहे दोस्तों, तो प्रैक्टिस करें और कोई शॉर्टकट नहीं है, और डेली 5 वर्ड जरूर याद करें, डेली 5 न्यू वर्ड जरूर याद करें, क्योंकि वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में। आखिरी में आदमी का जब प्रॉब्लम होता है वो है वर्ड में, यानी वो वर्ड में, वर्ब में रुक जाता है, जिसके वजह से उसे प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी चीज़ अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे। और देखिए, कोई भी आदमी हो या बच्चा हो, वो पैदा ही जीनियस नहीं होता है, मतलब जब वो पैदा होता तो ब्लैंक होता है, जब व्हाइट बोर्ड दिख रही है ब्लैंक है, इसमें हम लोग जो लिखेंगे वही होगा। तो दोस्तों, हम लोग जब पैदा होते सेम ऐसे ही होते हैं, एकदम ब्लैंक होते हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता होता, ये मम्मी ये पापा, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब हम लोग को पता होता है। बात समझ रहे, फिर हम लोग धीरे 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 सीखते हैं। और इंसान के सबसे बड़ा खूबी ये है कि इंसान कोई भी चीज़ को सीख सकता है, सोच सकता है और अपने आप को बदल सकता है। तो दोस्तों, उंगली माला कि जैसा अगर आदमी बदल सकता है, डाकू बदल सकता है, तो हम लोग सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग क्यों नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो कुछ भी हैं सिर्फ खुद की वजह से। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं तो खुद की वजह से, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे खुद की वजह से, यानी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। देखिए, 3 चीज़ कभी मत कीजिए। 1, लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज मत दीजिए। 2, ब्लेम मत कीजिए। और 3, कंप्लेन मत कीजिए। ये 3 चीज़ कभी मत कीजिए। अपना जो लाइफ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। भाई, मैं जो आज जो भी हूँ खुद की वजह से हूँ, खुद की मेहनत की वजह से, खुद के डिसीजन की वजह से हूँ। बात समझ, चॉइसेस योर, क्योंकि ये आपका लाइफ है, आप क्या करेंगे, आपको लाइफ में क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, सामने वाला डिसाइड नहीं कर, सामने वाला को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपको कैसे जिंदगी चाहिए आपके पास चॉइस है, सो इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहले अपने आप को एक इंस्पायरिंग पर्सन बनाइए और जो भी स्किल जरूरत है उसको जरूर सीखे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कोई भी स्किल अगर हम लोग सीखते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। बात समझ रहे। देखिए दोस्तों, आपको स्विमिंग नहीं आता और आप स्विमिंग से डर रहे तो खतरा है,
तो खतरा है। क्यों खतरा है? मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी कभी आ जाएगा और आप कभी अचानक से, फिर आप डूब सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्विमिंग आएगा ना, तो जितना ही पानी क्यों ना हो, आप अपने आप को बचा लेंगे। तो दोस्तों, कोई भी स्किल सीखने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो फ़ायदा ही होता है। आपको ड्राइविंग आता है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए एमरजेंसी में कोई ड्राइवर नहीं है, मान लीजिए आपके घर में कार है और आपको ड्राइविंग आता है और आपका ड्राइवर कहीं गया है, तो आप ड्राइविंग करके अपना ऑफिस जा सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़रूर नए नए स्किल सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, एक इंस्पायरिंग पर्सन बनाइए और आपको जो भी पता है उसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।